100 फीवर है सर, भयंकर दर्द कर रहा है भाई, मेरे को ना तबियत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हिरेन आई मीन अनफिल्टर्ड चैनल पे बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम चालू करेंगे, तो लाइव एक आपने ऑलरेडी मिस कर दिया, तो जाके लाइव उस चैनल को फॉलो कर लेना, उसमें रेगुलर गेम स्ट्रीमिंग्स और बातें वाले लाइव स्ट्रीम्स करेंगे, सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल मिल जाएगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मेरी मॉर्निंग हो गई, मैंने नहा लिया है एंड पूजा वूजा भी हो गई, जैसे आप लोगों ने देखा। आपकी मॉर्निंग कैसे होती है? मेरे ऑलवेज मॉर्निंग आजकल 2022 से पहले मैं है ना इवनिंग में करती थी पूजा, बट ये 2024 से मैंने नई चीज़ शुरू की है कि ऑलवेज उठ करके नहा लेना है एंड पहले पूजा करना है। तो ये मेरा रूटीन रहा है 2024 से और मैं होपफुली करती हूँ कि आगे मैं फॉलो करूँगी। तो आपने क्या सोचा था 2024 में करने का एंड आप वो फॉलो कर रहे हैं, मुझे कॉमेंट में ज़रूर से बताना। तो आज मेरा नाश्ता है चाय एंड भाखरी, मुझे भी नाश्ता बहुत पसंद। एक्चुअली मेरे को है ना रूटीन में, आप मुझे लंच ना दो ना मैं स्किप कर सकती हूँ, बट मुझे चाय मतलब नाश्ता मुझे बहुत ही ज़्यादा वाला ज़रूरी है, नाश्ता बिना नहीं रह सकती। भाई मेरी तबीयत ना कुछ ज्यादा ही खराब है, 100 फीवर है, उसके अलावा मेरा गला बिगड़ा हुआ है, सर्दी बहुत हो गई है, सर भयंकर दर्द कर रहा है। दवाई ली अभी मैंने, डोलो लिए, और उसके अलावा विक्स इनहेलर मैं खींचे जा रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, पर देखते हैं, अगर शाम तक अच्छा नहीं लगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। मम्मी की भी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो वैसे भी मम्मी को तो हॉस्पिटल ले ही जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ साथ साथ में मेरी भी दवाई हो जाएगी। फिलहाल हम सुबह सुबह कुकी को निकलते हैं बाहर, थोड़ा सा मुझे एडिटिंग करना 5 मिनट वो कर लेते हैं। कुकी चलो, गुड गुड। हाँ गुड 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 मॉर्निंग कुकी। पहले एक शॉर्ट की एडिटिंग कर निपटा लेते हैं, फिर लंच वंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद वापस एक एडिटिंग करनी है वो निपटा लेंगे। तब तक आप देखो अंकिता क्या कर रही है। मैं है ना फटाफट रूम में आई, तो मैं बहुत क्विकली रेडी होना है। मेरा आधार कार्ड में मेरी जो पुरानी फोटो थी ना वो बहुत ही व्योर थी, मैं कहीं पर दिखा नहीं पाती थी, इसलिए मुझे मेरे आधार कार्ड की फोटोग्राफ चेंज करनी है, जिसके लिए मैंने अपॉइंटमेंट ले ली थी। आज का मुझे अभी जाना है, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है घर से निकलने के लिए, एंड मुझे वहाँ पहुँचना है एनी हाउ। तो मैं क्विक वाली फटाफट थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ, ताकि मैं थोड़ी प्रेजेंटेबल और नई फोटो पर अच्छी दिखूँ। मैंने मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन ऑलरेडी लगा लिया था, फटाफट रेडी हो गई, मैं बहुत लेट हूँ, इसके अलावा मैं फिर लास्ट में चेंज कर दिया टी शर्ट का, टू व्हीलर पर जा रही हूँ ना, आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि वो ज़्यादा सा लग रहा था, एंड यस मैं बहुत लेट हूँ। तो मैं देवरिया को बीच में रास्ते में टिफिन लेना है, फिर मैं वहाँ पर पहुँच चुकी, तो मैं देखती हूँ वहाँ पर मैं ब्लॉक कर सकती हूँ, और जो भी होता है मैं आपको बात बताती हूँ। मेरा बाहर का सारा काम खत्म हो गया था एंड उसके बाद मैं मंदिर भी जा करके आई, बट वो सारा शूट नहीं किया था मैंने, एंड मैं घर पे आके थोड़ा रेस्ट किया। बाहर गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं ठंड कहाँ गायब हो गई है, एंड अब मुझे लंच करने की इच्छा नहीं हो रही, तो मैं खा रही हूँ गुआवा, बहुत सारे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस अब मैं खा रही हूँ मिठाई, ये एक्चुअली उत्तराखंड में मिलती है, इसको बाल मिठाई बोलते हैं, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट मिठाई है। मैं पहले जहाँ पर रहती थी ना, मैं एग्जैक्ट मेरे पड़ोसी थे ना वो लोग वहाँ से थे, वो आंटी मुझे बचपन में देती थी, मुझे लगता था ये चॉकलेट है और मैं बहुत खाते थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे तबीयत अब? चल चल रहा है, बाकी सब ठीक? नहीं बस चल रहा है। अभी मम्मी को मैंने बोला खाना दे, मम्मी देखो पहले सैलेड वैलेड बिछा रही है अच्छा से, ऐसे ही दे देती है। ऐसे इतनी लंबी लंबी चीजें क्यों निकल रही है देखो, ऐसे फटाफट हो जावे, मेरे को खाना चाहिए, भूख लगी है, खाना दो, थाली में दो दाना दो। तो आज घर पे बनना है ये कौन सी सब्जी है, तुवेर है ना, तुवेर और रवैया मतलब बैंगन, और सैलेड और रोटी। मैंने वापस से शुरू कर दिया है, राइस खाऊंगा तो रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी खाऊंगा तो राइस नहीं खाऊंगा। मम्मी इसी से बहुत ज्यादा परेशान है, नहीं इसके किसके साथ खाऊंगा, ये क्या कर रही है तू आज थाली में, मैं नहीं खाऊंगा ये मम्मा। और इसमें तो देखो बुरा भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि बाहर का है। नहीं 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 पूरा टेस्ट भी जाएगा खाने का। मैं बोल रहा हूँ कि भूल गया मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं, अब छोड़ो मैं खाना खा लेता हूँ। तो फिलहाल इसका एप्पल खाने का काम चल रहा है, ये बस पार, और कल से गर्मी चालू हो रही है,
और भैया जी आ गए मेरी रूम का एसी सर्विस करने के लिए, तो परफेक्ट टाइमिंग से भी सेट हो गया। मेरे ऊपर खाना गिरा ना नहीं, मैं घर पे आ गई थी, बहुत सारी बातें आते मोम के साथ में की थी, एंड फिर मैं मेरे कपड़े के है ना पैकिंग के लिए देख रही थी, क्योंकि हम ट्रैवल करने वाले जैसे मैंने बताया था, तो बस मैं डिसाइड कर रही थी क्या चीज़ें लेना है नहीं लेना, एंड फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा वाली आलस मची थी, एंड मैं जस्ट बेड पर लेटे लेटे स्क्रोलिंग कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। फिर मैं नीचे आई, वापस मैंने थोड़ा बात लिया गर्म पानी से, तो मैं थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊँ, एंड अब मैं करने बैठी हूँ डिनर, और डिनर के लिए है ये स्प्राउट्स है, बट मैंने ना उस पर सेव डाल दी, मुझे उसको इस तरह से खाना बहुत अच्छा लगता है, एंड ये कढ़ी है एंड रोटी है राइस भी है, तो चलो प्रे करते हैं खाना शुरू करते हैं। मैं फटाफट खाना ख़त्म कर देती हूँ, फिर बताती हूँ कुछ कर रहा है या नहीं तो ये वीडियो कल चलेगा, दो दिन में हो जाएगा, आज की वीडियो में कुछ नहीं हुआ इंटरेस्टिंग जैसा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओके गाइस, तो भाई यहाँ पे तो कितने 7 बजने वाली है और मैं निकल चुका हूँ घर से अभी जस्ट, और मैं फंस चुका हूँ, क्या बोला पता नहीं मैं, पर मैं फुल ऑन ट्रैफिक में फंस गया हूँ। पहला मैं सोचा था मैं नहीं निकलू, क्योंकि पता नहीं अचानक ही जैसे खड़ा हुआ ना स्क्रीन टाइम से, मतलब पूरा दिन काम वाम किया, फिर खड़ा हुआ नीचे गया तो भाई थोड़ा चक्कर आने लगा, फिर मुझे लगा कि शायद ना कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के सामने बैठा इसलिए शायद हो सकता है, पर पता नहीं क्या था। बस फाइनली निकला हूँ अल्फा वन मॉल, मतलब अहमदाबाद मॉल में जाऊँगा, और वहाँ पे निकुंज आधे पौने घंटे बाद आने वाला है, उसको कुछ उसके मोबाइल का काम है तो वो बताने का वी भाई में, क्योंकि उसने कोई और दूसरा फ़ोन लिया है, पता नहीं कैसे, मतलब उसके बॉस से लिया है ऐसा कुछ पता नहीं, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम, इतना पता है उसको पुराना फ़ोन निकालना है और उसको पैसे दे के दूसरा लेना है, इतना कोई इतना मालूम है, तो वी बाई में उसको सेल करना है क्योंकि वहाँ पे प्राइस ज़्यादा अच्छी आ रही है। वैसे मैंने उसको बोला मेरे आने नहीं आने से पैसे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे को मिलेंगे उतने ही मिलेंगे, पर उसने बोला नहीं फिर भी आप आओ फर्क पड़ेगा क्योंकि आपको पहचानते हैं। ठीक है आता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा लो लग रहा हूँ कि मैंने बोला चक्कर आ रहे थे, तो थोड़ा सा तबीयत में थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा माइनर सा लग रहा है, बट थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँगा, नीड लॉट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो रही है दुनिया में मेरे शरीर में तो खास करके। फाइनली अहमदाबाद मॉल पहुँच चुका हूँ, और मैंने अभी अभी नोटिस किया भाई मैं तो कुछ भी घर के कपड़े पहन के निकल गया यहाँ पहुँचने के बाद नोटिस किया, दिमाग नहीं चल रहा मेरा आज, और आज काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा लग रहा है अंदर का, पता नहीं जनरली क्या है ये मॉल में, बाहर सन्नाटा लगता है ना तो अंदर भीड़ होती है, और बाहर भीड़ होती है तो काफ़ी बार अंदर सन्नाटा होता है, सब पिक्चर में चले जाते सीधा। भाई मैं तो जल्दी मॉल में आ गया, सोचा टाइम निकल जाएगा, अब पता नहीं मैं क्या करूँ यहाँ पे, उसके अलावा ना पूरा का पूरा मॉल खाली है, मतलब गिन चुन के पूरे फ्लोर पे है ना 3-4-5 लोग दिख रहे हैं, और मैंने निकुंज से बात की उसको आने में अभी और भी आधा घंटा या 40 मिनट लगेगा, तो टाइम कैसे निकलो पता नहीं, कोई पहचान वालों को मिलना पड़ेगा तब जगह टाइम निकलेगा। ये देखो मेरे को 1 घंटे के ऊपर वेट कराने के बाद फाइनली आधे घंटे में आ गया सर। नहीं नहीं मां सर मैं अभी टाइम दिखाता हूं ये, और इसको है ना साथ में रह रहे के ना अंकिता जैसी लते लग गई है, अनसंट कुछ भी बोलता रहता है, टाइम बताऊं प्रूफ कर रहे हैं 500 वाली सर बड़ी भाई में 500 वाली हां 1 घंटा हो गया आज इसका काम से है, इसको फोन निकालना है देख लो। तो निकुंज का काम यहाँ पे नहीं हुआ, हम 3 दिन से वेट कर रहे थे यहाँ पे आने का, इसका सेट नहीं हो रहा था, कभी मेरा सेट नहीं हो रहा था, आज फाइनली हुआ तो काम नहीं हुआ क्योंकि भाई साहब ने बैटरी चूस डाल ली है, बैटरी कितनी हो गई है 67% बोले नहीं ये हम नहीं ले पाएंगे, इन्होंने सामने से बोला आप जाओ कैसी फाई में जाओ पे तो नहीं हो पाएगा, बोले कैसी फाई में भी क्या स्कैम है पता है अप टू हाँ बोले इतना तो नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा हम इतना देंगे ये देखेंगे। वो नहीं होता है फ्लैट 50% ऑफ नहीं है अप टू 50% ऑफ वैसे स्कैम, यहाँ से ये अपना व्हीकल उठाएगा मैं मेरा उठाएगा, और बोले इस चीज के लिए मैंने 1 घंटा वेट किया है मतलब ना सुनने के लिए कैशी भाई मैं तो भाई निकुंज को सिर्फ है ना 19,200 समथिंग बोला, और बाहर से उसको ऑलरेडी 20,000 या 21,000 उसके फोन के मिल रहे थे, तो निकुंज ने वहाँ से तो सीधा सीधा चला गया, और कैशी भाई मैं निकुंज निकल गया, फिर पता चला कि वो भैया जो थे वो तो सब्सक्राइबर थे, और अभी बस निकुंज अपना व्हीकल लेके घर पहुँच रहा है, मैं भी घर पहुँच रहा हूँ, डिनर विनर बाकी है डिनर कर लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा गेमिंग शेमिंग करेंगे, तो और उसके बाद वो बैठा होगा तो मैं थोड़ी एडिटिंग कर लूँगा, यही प्लान है फिलहाल, तो कोई अप डाउन है नहीं, मेरी हेल्थ अभी सीरियसली बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, बॉडी वाइज सब कुछ ठीक लग रहा है बस सर में चक्कर बहुत आ रहे हैं पता नहीं क्यों। ओके गाइस, तो मैं और निकुंज घर पे आए थे, और घर पे आने के बाद हमने थोड़ा सा मतलब हैंग आउट मारा, उसके बाद मैंने उसको बोला भाई मेरे को ना तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, दवाई लेना है सो जाना है, तो मैं दवाई ली, अब मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगा, मतलब थोड़ी देर के लिए आप सो ही जाऊँगा, सुबह उठूँगा, आप लोग तो मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग आप लोगों को, मेरे को
गुड नाइट एंड नीचे कमेंट में भर देना गेट वेल सून भैया, जल्दी तबीयत मेरी ठीक हो जाए तो मैं और अच्छे एनर्जी से व्लॉग कर पाऊँ। आप लोग सब्सक्राइब विद बेल आइकन, इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो कर लेना, उसके ब्रॉडकास्ट चैनल को फॉलो कर लेना, उस पर बहुत सारे अपडेट्स डालता रहता हूँ। हिरेन आई मीन अनफिल्टर्ड चैनल पे बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम चालू करेंगे, तो लाइव एक आपने ऑलरेडी मिस कर दी है तो जाके उस चैनल को फॉलो कर लेना, उसमें रेगुलर गेम स्ट्रीमिंग्स और बातें वाले लाइव स्ट्रीम्स करेंगे। सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।